गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज हम अपनी किताबों के कलेक्शन के बारे में बताएंगे कि मेरे पास कितनी कलेक्शन है किसी SSC एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो आज दाढ़ी कटवा लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही ट्रिम करवा लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी सी हो रही है, कट करवा लेते हैं। आज देखो आप कैसा मौसम हो रहा, कितना रोमांटिक मौसम कर रखा आज। दाढ़ी ट्रिम करवाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े सी हो रही है गाड़ी भी, थोड़े ट्रिम करवा के और थोड़ी छोटे छोटे से करवा के आपसे मिलते हैं मेरा बाद में। 15 minutes later कटवा के आ चुके हैं, दाढ़ी ट्रिम करवा के आज छोटे छोटे दाढ़ी हो गया। तो अभी हम अपना काम करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी कलेक्शन क्या क्या ऐसे अच्छी अच्छी एग्ज़ाम आज कोई सभी DMRC हो IELTS एग्ज़ाम हो जिसका आपको दिखाते हैं अपनी नो से मेरे पास किताबें पड़ी हैं आपके पास। सबसे पहले आपके SSC एग्ज़ाम के लिए आपके पास एक तो है मैप होना चाहिए, क्योंकि मैप में सभी चीज़ इंडिकेट करती है, मैप बताता है किस चीज़ के बारे में। तो मैप के बाद आपके पास एक रूटीन टाइम होना चाहिए कि आपको किस चीज़ क्या काम करना है। और आपके पास अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक क्लियर तो सबसे पहले आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, कुर्मी की। कुर्मी किताब सबसे बेस्ट किताब है कंपेयर टू अनदर बुक्स, ये बिल्कुल बेस्ट किताब है। और SSC जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम है सबसे इसको रिकमेंडेशन करते हैं कि आप ये किताब लो। कुर्मी पब्लिकेशन है इसका, हम आपको दिखाते हैं सिलेबस, आपको सिलेबस दिखाते हैं। बिल्कुल अच्छा थ्योरेटिकल टाइप है क्वेश्चन है, और 5000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे रखे हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप इसे ले लो, अच्छी बेस्ट किताब है। अगर इसका बेसिक क्लियर नहीं है तो ये लो। दूसरे नंबर पे आपके पास सबसे रिकमेंडेशन सबसे बेस्ट की बुक है ये है यूथ एप्लीकेशन का। मेरे पास volume 1 यूथ एप्लीकेशन का ये volume मैंने मंगवाया था, सबसे अच्छी है क्योंकि बड़े बड़े कंपटीटर हैं खुरमी के बाद इसको रिकमेंडेशन करते हैं कि आप ये लो, किसमें बिल्कुल अच्छे टाइप क्वेश्चन टाइप है बहुत ज़्यादा पर अच्छे है, जबकि इसी से किसी गवर्नमेंट एग्जाम से मिलते जुलते आपको दिखाते हैं इसका कैसा बेसिक है, किस कैसे ऐसे क्वेश्चन है। देखो ये है, ये किताब है ये यूथ पब्लिकेशन स्टेट PCSA इसरो के PSU के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन अच्छी है। ये volume 1 है, आपको दिखाते हैं ये देखो, ये ऑल स्टेट सर्विस एग्ज़ाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब है। सब इसमें सिलेबस है थो मैकेनिकल सॉम मशीन डिज़ाइन मटेरियल साइंस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मटेरियल साइंस थर्मोडाइनमिक्स, ये तो हमारे volume 1, 2 में आते हैं। बिल्कुल सबसे अच्छी किताब है, सभी के आंसर भी है और क्वेश्चन सब दे रखे, किसी प्रकार से आप क्वेश्चन करो तो। मैं तो अच्छा ये कहता हूँ कि खुरमी के बाद आपको ये भी पढ़नी चाहिए, ये भी अच्छी किताब है। और आपके पास तीसरे नंबर पे एक ही किताब होनी चाहिए, JK गुप्ता के नाम पे है, R गुप्ता के नाम पे है, प्रॉपर मास्टर गाइड SSC एग्ज़ाम के लिए। ये एक बेस्ट किताब है, ये भी बहुत अच्छी है, पर इसका थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा थोड़ा लंबे टाइप में है इसका जो टॉपिक है। बाकी इसमें 3-4 टॉपिक है, टॉम है सोम है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, बाकी और ज़्यादा नहीं है, बस अच्छी है। फिर भी ये क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी है, इसमें 2 क्वेश्चन पेपर है SSC एग्ज़ाम के, बाकी आपकी तैयारी के लिए भी बहुत अच्छी है। देख आपके पास ये किताब होनी चाहिए, ये सिंपल क्वेश्चन सिंपल के लिए, ये सिंपल है जिसका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है, जैसे क्वेश्चन को तो टेस्ट सीरीज लगानी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे रखे और बहुत क्वेश्चनों के सेट 10-12 सेट के। ये है
करो ऑब्जेक्टिव कोर्स ऑब्जेक्टिव नाम पे तक नाम पे पी के मिश्रा के नाम पे ये किताब है। ये भी अच्छी किताब है, ये भी ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन। इसका शायद प्राइस का 150 रुपये प्राइस है इसका शायद। अच्छी है ये भी, पढ़नी चाहिए। अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये फ़ायदा होएगा, इसमें नॉलेज गेन होगी। और सबसे मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए सबसे बेस्ट किताब और सबसे लॉन्ग टाइम क्वेश्चन के लिए लॉन्ग टाइम बेस्ट किताब, लॉन्ग टाइम जिसका थ्योरेटिकल क्लियर हो गया, थ्योरेटिकल क्लियर होने के बाद इसको अच्छे खासे नॉलेज गेन करनी है तो ये आर के जैन भी। पर इसका जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा लंबे है भाई, क्योंकि अगर किसी के पास अगर टाइम नहीं है तो वो ये ना पढ़े, ये पढ़ोगे तो टाइम आपका कंज्यूम होगा, कोई फायदा नहीं आपको होने का। अगर टाइम आपका थोड़ा सा कम है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा 4-5 मिनट टाइम ज़्यादा तो आप ये आर पढ़ो आर के जैन। आर के जैन का इसमें बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन ज़्यादा लंबे हैं, आपको दिखाते से क्वेश्चन कैसे हैं। आर के जैन खन्ना पब्लिकेशन के नाम से है, आर के जैन के नाम से। ये इसमें बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत टाइम लगेगा, पर अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लो, बाकी टाइम नहीं तो कोई वो नहीं है, बाकी थोड़ी बहुत तो नॉलेज लो। ये सारे सारे बहुत ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ रखे हैं। बाकी आपके पास अगर टाइम हो तो पढ़ लो, बाकी नहीं टाइम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद भी बेस्ट पढ़ सकते हैं। खुरमी आपके पास होनी चाहिए आपके पास। ये मेरे जी के गुप्ते हैं, ये किताब आपके पास होनी चाहिए, ये पब्लिकेशन की तो होनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसरो में आ रहे हैं, गेट्स में आ रहे हैं, IUCL में, DMRC में, कोर में भी आ रही हैं। अरे आपके पास ये खुरमी, इसका बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक क्लियर करने के लिए खुरमी लो। मेरे पास जो बुक है ये शॉर्ट्स लिए हैं जो आपको अच्छी लगेगी, आप देखो मेरे सिनेमैटिक शॉर्ट्स लिए और आपको बताओ कमेंट में बताओ कैसे लगे आप सिनेमैटिक शॉर्ट। आज का मेरा ब्लॉग खत्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो यार। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाओ, उसको फॉलो करो, उसको लाइक करो। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार, 80% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो।